बर्षा अनुभव को घरोई कळी थाना रे पूणी एतला देले अभिनेत्री बर्षा प्रियदर्शिनी वायरल वीडियो को नै से पुरीघाट थाना रे लिखित अभिजोग करिसंती तांको भावमूर्ति को खराब करबा पई वीडियो वायरल करा जाईथिबा से एतला रे दर्शाईछंती। 3 दिन तळे बर्षा अनुभव को घरोई कळी रो एक वीडियो वायरल होइथिला। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान, जहां बर्षा अनुभव को घरोई कळी रो एक वीडियो सोशल मीडिया रे कहबा जदि वायरल होइतिला तबे एबळी घरोई कळी कु सोशल मीडिया रे वायरल करबा केते दूर ठीक से नै मध्य पुरीघाट थाना रे बर्षा लिखित अभिजोग मध्य करछंती। देखन्तु, स्वप्ना, अनुभव एवं वर्षांकर जो कड़ी लागि रहिछि ताहा थमिबार ना नै। प्रतिदिन गोटिए परे गोटिए नुआ मामला बा नुआ मोड़ दोछि। आज जे बड़ी भाबरे जा खबर मिलिछि गतकाली विलंबित राति रे वर्षा प्रियदर्शनी पुरीघाट थाना रे एको मामला दिस नेबा को इतला दायर करछन्ति। एवं इतला रो आधार हैला जे तांकर 3 दिन पूर्वरु घरे एको कड़ी लागिथिला तांकर अनुभव को भीतर। एवं से वीडियो टी रेकॉर्ड एकी सोशल मीडिया रे कि ताको वायरल करथला। तो सही वीडियो जो वायरल हैथला ताको आधार करकी से पुरीघाट थाना रे इतला दिछुते। एवं से कहिछन्ति जे तांकर भाबा बेगु आघात लागिछि तांकर घरै गडी को सोशल मीडिया रे वायरल करा जाउछि। एवं एहा को एक मन से सीधा सडक से क्षेत्र अभिजोग कुछन्ति जे एहा को टार्गेट करा जाउछि तांको पुरा एकदम तांको परिवार तांको माने मानसिक तांको चाप तांको पर पक्का जाउछि। एवं जे बाबर तांकर घरै गडी को सोशल मीडिया रे वायरल करा जाउछि तांकर भाबा बेगु को आघात मध्य लागिछि बिस अभिजोग कुछन्ति हेतला रे। एवं जे बाबर अपन जानथिबे अनुभव बसांकर कडी जे लागि रहिछि ताहा दिन को दिन बडीबार लागिछि गोटिए परे गोटिए नुवा मोर सामना कोसछि गतकाली जे बाबर जानते अनुभव अनुभव महती कटक सदर एसडीजीएम कोर्ट मध्ये हाजर होते हैं। से निज पक्ष रखते हैं जेहेतु वर्षा ना घर हिंसा ठू आरंभ करके विभिन्न मामला को छदी जो एतला दिए जो अभियोग आधार करके कटक सदर एसडीजीएम कोर्ट में कल शुणी होता है। परवर्त शुणा आसंता वर्ष जानुरी 2015 जानुरी 15 2021 परवर्त शुणी हम जो भाव में भितर जो कड़ी लगी रही जो वर्षा प्रियदर्शनी जो अभियोग करते जे तांकु घरे हिंसा तांकु अधिक अत्याचार तांकु पर करा जाउची तांकु मानसिक चाप दि जाउची। अन्य पटे अनुभव तांकर पक्ष रखी कछन जे से तांको जितिक अभियोग वर्षा प्रियदर्शन लगछन सब भित्तिहीन अछि। एवं से तांकु न्याय मिलिबो बोली छि जहां मध्य गली गण माध्यम सन्दर्भ मध्य प्रतिक्रिया देथले। किंतु आज जे बड़ी भाबरे जो पुनी गोटे नुवा मोड़ घटना को आसुची जे गतकाली राति रे वर्षा प्रियदर्शनी पुरीघाट थाना रे एक एतला दायर कछनती जे तांकर घरे कळे एक वीडियो भाइरल होतले सोशल मीडिया रे 3 दिन पूर्व सही घटना रही। किंतु किए सोशल मीडिया वायरल करे आकर्षणमूलक भाव में वायरल करना किए वायरल कर पक्षर किए रही व्यक्ति तो यह सब तनाघना करने से पुरीघाट थाना को से निवेदन करण रही प्रकृतर घटना जेहेतु से बर्तमान ही एतला देखते पुरीघाट थाना ही एतला रखा पर बर्तमान तदंत आरंभ कर। निश्चित भाव इमरान जदि कह अनुभव सांसद अनुभव महांती जी रही से आरंभ कही आर्षा प्रियदर्शन जो सब अभियोग आनी सब भित्तिहीन। किंतु अनुभव निजो को भल देखेबापाई एभली भावे सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल करुछंती कि तो स्वप्ना जो वीडियो टी वर्तमान वायरल है कहीं आप जानते हैं पूर्व जिते बड़े वर्षा अनुभव घर भितर से कड़ी लगी से समय एक वीडियो टी वायरल कर वीडियो रिकॉर्ड मध्य जन व्यक्ति करते जहाँ को लेकिन वर्षा तक विरोध करते से मामला अधिक बढ़ीला कितर पुणी थमी जाता कि विभिन्न समय विभिन्न मामला को लेकिन से सामना को आसते केत छाड़पत्र देवाई से दिल्ली पटियाला कोर्ट को अनुभव जिते बड़े दिल्ली पटियाला कोर्ट में छाड़पत्र देवाई
ପାଇଁ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷା ସେହି ମାମଲାକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏବଂ ସେପଟେ ଅନୁଭବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାବି ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କୋଳିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘଟଣାଟି ରହିଛି। ତ ଘଟଣାଟି କିଏ ଘଟେଇଛି, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିଛି କିଏ, କିଏ ସୁଟିଂ କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ବି କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ସିଧାସଳଖ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ସେ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ, ତାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ମୋତେ ଘରେ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି, ତାର ସ୍ଥିତି ବା ତାର ସମାଧାନ ହେବାର କୌଣସି ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି 15 ଜାନୁଆରୀରେ। ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସେ ଏତଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଭିଡିଓଟି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା କିଏ, ସୁଟିଂ କରିଥିଲା କିଏ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ସୁଧା ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିଏ ଏହି ଭିଡିଓଟି ରେକର୍ଡ କରିକି ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଯିଏ ଭାଇରାଲ କରିଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରୋଇ କଳିର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତେବେ ଏନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଭାଇରାଲ କରିଛି ତା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତଲାରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।